What's your problem? तुम मुझसे irritate क्यों होती? जब पता चलेगा बता दूंगी. Bye. मैं तेरी और तेरी डॉक्टर की बात कर रही हूँ. क्यों छुपा रहा है? इतना प्यार करता है उसे, पर उसे मालूम नहीं चला तो फायदा क्या? वो रात जब वो हॉस्पिटल में थी, वो सारा टाइम जब मैं उसके बगल में था, do you know what I was thinking? एक ही चीज सोच रहा था मैं कि एक बार और, just once more, वो उठे और मुझसे कहे, behave, Mr. Karan. वही चाहता था मैं. और उसके बाद मैं चाहता था कि वो मेरा जीना आराम करे, because that is how much I love. देखो, मुझे नहीं पता था. I swear, बीजी ने अभी-अभी मुझे बताया. I just got to know. I swear to you. बीजी अपनी बहू को कभी कुछ नहीं देख सकती थी. She always hated me. देखो, अगर मिस्टर खन्ना ने तुमसे ये कहा भी है ना कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं तो उनसे प्यार नहीं करती, है ना? Listen, I assure you, I will never love him. Romina, I promise you. रोमिला को सच में लगने लगा है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है मतलब? ये सच थोड़ी है। And moreover, it's not right for Romila. Mr. Khanna, we must do something about it. We? What do you mean we? तुमको जो करना है करो ना, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? Okay, fine. क्या एक मिनट, ये किसको? Who are you calling? Romila को कॉल कर रही हूँ और उसे यहाँ बुला रही हूँ। ठीक है, बुलाओ उसे यहाँ। उसके सामने पता क्या करूँगा मैं? तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारा हाथ पकड़ के I'm gonna say that I love you. बात ही खत्म हो जाएगी. क्यों? बोल दूँ? एक मिनट. आपने ड्रिंक किया है ना? यार एक मिनट, अब तुमने पीना बंद करवा दिया तो कम से कम टॉन्सल्स के लिए विंडो शॉपिंग तो करने दो यार. वोडका से कौन गुल्ला करता है? अरे गागल ही तो किया है, पिया थोड़ी ना है. बस चार दिन की बात और है, उसके बाद आई एम डन विद यू. मैम पक्का यही गिरी थी ना? नहीं नहीं, रात को 1 बजे हम टाइम पास कर रहे हैं और इस खेल में एक सपनों की सौदागर की जरूरत थी, इसलिए आपको बुला लिया. ऑफ कोर्स यही गिरी है, ध्यान से ढूंढो. जी जी. एक्चुअली वो रिंग मुझे मेरे अप्पा ने दी थी. अभी 20 मिनट पहले मैं यहाँ से गुजरी थी ना, तो वो मेरी उंगली में थी. पता नहीं कहाँ गिर गई है, होनी तो यहीं कहीं चाहिए. आप प्लीज देखिए ना. मैम अब सीसीटीवी रूम वहाँ पे सब कुछ दिखता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पहले किसी और को अंगूठी मिल गई हो और उसने उठा ली हो. तो ऐसा मत बोलिए ना, वो मेरे अप्पा की रिंग थी, उन्होंने मुझे दी थी, यहीं कहीं होगी. आप ढूंढिए ना प्लीज. जी आप लोग मेरे साथ आइए. आइए. एक्चुअली मैं इसी रास्ते से गई थी, तो होनी तो यहीं चाहिए कहीं. ओनली 4 डेज लेफ्ट यार, और वो तो फोकस करके गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शी इज नॉट गोना फॉल इन लव विद मी. आई डोंट नो व्हाट टू डू यार. तू करण खन्ना है, वी करण खन्ना. जब तू बाहें फैलाता है तो दुनिया की हर लड़की उसमें समाना चाहती है मेरे भाई. एक्सेप्ट हर. साइड में खड़े होके बोलेगी बिहेव मिस्टर खन्ना. हजारों रोमांटिक डायलॉग से प्रैक्टिस हो गई होगी मेरे भाई. व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? जाके बोल दे उसे. हुज इज दिस? हुज रिंग इज दिस? क्या बता. शिट इट्स स्टक. तो पहनी क्यों यार? अरे मुझे क्या पता था फंस जाएगी यार. हेल्प मी ना यार. तेरा प्रॉब्लम क्या है करण? तेरा प्यार के बारे में एटीट्यूड है ना, वो 6 साल के लड़के जैसा है. अगर बाय चांस कोई लड़की पसंद आती है ना, तो सारा टाइम बस पोनीटेल खींचने में या टिफिन छुपाने में जाता है. अरे बी अ मैन करण, जस्ट आस्क हर आउट राइट नाउ. मुहूर्त निकलवाओ, ये तो कटवानी पड़ेगी. क्या अंगूठी की उंगली? कौन से हाथ? ऋषा हेलो मिस्टर खन्ना, आप 20 मिनट्स में ड्रू हाउस के पास आ सकते हैं? I really need you. And but please, please don't tell mama. Thodi si problem hai, but you can't tell anyone. Yeah, sure. Abhi aata hu. Okay. Kya ho gaya bhai? I have to go here. What do you mean? Karan,
हुआ क्या अब? अगर किसी ने मेरी रिंग उठाई होगी ना तो उसका कभी अच्छा नहीं होगा। ठहर जा बहन, ठहर जा। अपनी काली शक्तियों का इतनी जल्दी इस्तेमाल मत कर, मिल जाएगी यार रिंग। पापा ने दी थी वो रिंग जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने गुमा कैसे दी यार। तू इतना रो क्यों रही है? रोना तो मुझे चाहिए। 4 दिन में सब कुछ रैप अप हो जाएगा। और तुझे एक काम बोला था करण खन्ना की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, नहीं किया ना? शेरी, तुझे करण खन्ना के बारे में इतनी ही पड़ी है ना, तो तू खुद क्यों नहीं निकाल लेती उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन? मैंने तो निकाल ली। एंड आई मस्ट से ही इज वेरी इंप्रेसिव। कैसे निकाली तूने इन्फॉर्मेशन? हाँ बता ना। उस दिन अम्मा की बर्थडे पार्टी में मी एंड करण वर यू नो। क्या यार, तो रुक क्यों जाती है बार बार? चल। नहीं सुन, वो मेरी छोड़, तू मुझे बता कि उस दिन हुआ क्या? अम्मा का बर्थडे था तो आई मीन करण खन्ना के बारे में क्या? व्हाट? रहन दे यार, तेरे लिए टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर मैंने एक लाइन और बोली ना तो तू तो रूम में जाके हवन ही करवा देगी यार। सीरियसली यार बताना, क्या हुआ था उस दिन अम्मा के बर्थडे पे? क्या क्या पता चला तुझे करण खन्ना के बारे में? बताना कैसे? एक्चुअली करण के रूम में हम दोनों अकेले थे और फिर हम दोनों के बीच में वो सब। लुक एट योर फेस। भूल गई ना, एक मिनट में अपा की रिंग भूल गई। देखा, करण की बातों से मुझे फर्क पड़े ना पड़े लेकिन तुझे जरूर पड़ता है। तू ना, तू करण खन्ना के बारे में सोचना बंद कर दे शेरी, ओके? एंड लिसन, वो मेरा पेशेंट है। ये इस तरह की बातें करके ना, आई मीन हमारे पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में फर्क पड़ सकता है एंड आई डोंट लाइक इट। ओके ओके, रिलैक्स। आइए मैडम, आइए। यहाँ से पूरा होटल दिखाई देगा मैडम। एक घंटे पहले का दिखा देता हूँ। आई होप पता लग जाए। इस एरिया का दिखाइएगा। जी मैडम, जी। अरे आप इतना क्यों रिवाइंड कर रहे हैं? 5 दिन का फुटेज ने एक मिनट शेरी, यहीं से प्ले करना। जी मैडम जी, ये तो आप ही है ना? ये हादसा आपके साथ ही हुआ था लेकिन करण खन्ना सर ने आपको एकदम हीरो की तरह बचाया था। दिल मेरा। मिस्टर खन्ना ने मेरी जान बचाई। पूरे 2 दिन तेरे साथ ही थे हॉस्पिटल में। कह रहा है मुझे जी अंगूठी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ कोई आया ही नहीं था। टिप्सी, अरे कहाँ जा रही? नहीं है ना मेरे पास पैसे, कार्ड है, कार्ड ले लो। त्रिशा, कहाँ से करूँ? त्रिशा, are you okay? Yeah. What is going on here? What the hell is going on here? अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब? अरे मेरी बात तो सुनिए। Who are you? What is going on here? मेरी बेटी को ऐसे तो भी क्यों? मिस्टर खन्ना, इन्होंने कुछ नहीं किया है। I need 5,000 rupees, please. What? I need 5,000 rupees, please. आधा तो इसने यहीं फूंक दिया और फिर कहती है मेरे पास कैश नहीं है। 2 घंटे से यहाँ कैश का वेट कर रहे हैं।
यार क्या प्रॉब्लम है? आज तक तू मेरी घंटा घर थी यार, 3 बज रहे, सो जाना। मुझे नींद नहीं आ रही है। मिस कर रही है? मैं क्यों मिस करूंगी मिस्टर खन्ना को? मैंने नाम तो नहीं लिया, मैं अम्मा की बात कर रही थी। लिसन, अगर तुझे लगता है बात करनी चाहिए तो बात कर ले। Just tell him thank you for saving my life. एक मिनट, तू सोच रही है कि मैं इतनी रात तक मिस्टर खन्ना की वजह से जगी हुई हूँ? देख, ये सोचने वोचने का काम ना मैंने सारा आउटसोर्स कर रखा है तुझे, मैं सोचती नहीं हूँ। खैर बता दे क्यों जग रही है? शेरी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, मैं मिस्टर खन्ना का बीपी चेक करना ही भूल गई हूँ। तो इसमें इतना मुस्कुराने की क्या बात? अरे मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं उनका बीपी लेना भूल गई। तो अभी जा रही है? हाँ। 3 बजे? हाँ। पागल है क्या, इस टाइम पे कोई जाता है क्या किसी के रूम में? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या? डॉक्टर्स पिट जाते हैं इस काम की वजह से, कल तेरा भी नाम आ जाएगा न्यूज़पेपर में। हाँ तो पढ़ लेंगे साथ में। पागल है क्या, कहाँ जा रही है? अरे आती हूँ मैं, रुक। सिप्पी, मिस्टर खन्ना, I just got to know that. No. Mr. Khanna, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? नहीं यार. Mr. Khanna, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक अजनबी के साथ गाड़ी में कैसे बैठ सकती हो तुम? थोड़ा धीरे बोलिए ना प्लीज। और मैं किसकी क्या हाथ गाड़ी में, किसकी हाथ गाड़ी में बैठ जाऊंगी? हाथ गाड़ी नहीं यार, सात गाड़ी। अब ये सात गाड़ी क्या होता है? What the hell is it now? Hi. अरे तुम शराबी को सूंघ सकती हो क्या? एक्चुअली मैं आपसे उस रात के बारे में बात करने आई हूँ। यू नो व्हाट, उस रात से याद आया मुझे, उस रात तुम भी अजनबी के साथ गाड़ी में बैठी थी ना? इधर बोल सकते। 3 डेज बैक मिस्टर खन्ना। उधर बैठो तुम, बैठो। अरे लेकिन वो तो 3 रात पहले की बात है। जानता हूँ, 3 रात पहले जो तुमने किया आज रात इसने किया है। अजनबी के साथ गाड़ी में बैठ गई है, 3 साल का बच्चा भी जानता है कि स्ट्रेंजर के साथ ऐसे नहीं कर सकता है कोई यार। One second, but Romila is not a stranger. Yes, but she is a psycho and you knew that. You still did what you did. आप मुझे डांट क्यों रहे बेवजह? अरे किसी को तो डांटना पड़ेगा ना तुम्हें। Somebody has to tell you what you did wrong, यार। थोड़ा हल्की सी डांटिए ना प्लीज, मैं सो रही हूँ। कोई नहीं सोएगा यहाँ पर, ओके? तुम लोगों को क्या लगता है कि मजाक हो रहा है यहाँ पर? You guys think कि तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच है जिसकी वजह से तुम दोनों को कुछ हो नहीं सकता? मिस्टर खन्ना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मिस्टर खन्ना, मैं भी अपने कमरे में। कोई नहीं जा रहा है, सिट डाउन राइट देयर। अजीब है यार, अगर राधिका को पता चल जाए कि तूने आज क्या किया है तो पता है ना क्या होगा। एंड यू तिरुपु, अम्मा को बताऊं? इसमें अम्मा को लाने की क्या जरूरत है? I mean, what is the logic? ओ, तो तुम दोनों ने जो किया उसमें बहुत लॉजिक है। मिस्टर खन्ना, मुझे डर लग रहा है। अब तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम यहाँ पर हो मेरे साथ, यू आर सेफ, तुम्हें डर कैसे लग रहा है? इतनी जोर से चिल्ला के बात करेंगे तो डर लगेगा ना, ऑब्वियसली। तुम रिलैक्स करो, आई विल गेट सम कॉफी। Mr. Khanna, if I tell you something, promise you won't tell mama, please. Pinky swear, किसी को नहीं बताऊं, okay? बोलो। रोहन जब भी मुझे I love you कहता है ना, उसके response में मुझे हमेशा घबराहट ही होती है। That feeling that I'm supposed to love him back scares the shit out of me. हमारे बीच का जो कनेक्शन, हार्ट का कनेक्शन, आई जस्ट डोंट फील इट। आई डोंट नो, इज दिस होल थिंग सपोज टू बी नॉर्मल? इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ट्रू लव, इसे हम सब डरते हैं। वी आर ऑल स्केयर्ड ऑफ दिस बिकॉज True love sweeps us off our feet, and that is scary. एक बार जब किसी से प्यार हो जाए ना, फिर वो इंसान तुम्हारा सब कुछ बन जाता है। Your best friend, your teacher, your biggest competition, everything. And then अगर वो तुम्हें स्वीकार करे या ना करे,
Even if he ends up being with somebody else, फिर भी वो तुम्हें haunt करता है because you just cannot stop thinking about that person. It's a very scary feeling. It's like an addiction, and you absolutely have to be with that person. चाहे कुछ भी हो जाए, you will do anything to be with that person. For example, अगर सुबह के 3 भी बजे हो ना, तुम झूठ बोलोगे, बहाना बनाओगे, कुछ भी करोगे, just to be with that person. You won't even think about your self-respect, your self-esteem. Nothing matters. You know why? Because it's like drugs. Whether it's love or drugs, an addiction is an addiction, and an addict is an addict. Coffee. Yeah. Magic. अरे एक मिनट. तुम सुबह के 3 बजे कॉफी बनाने के लिए मेरे कमरे में आए? तो एक्चुअली मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करने आई थी. जो तुमने किया नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह चेक कर लूंगी. अरे इट्स ओके, बाय, गुड नाइट, यू टेक केयर. तानपुर रात भर तुम्हारे कमरे में थी. यू सी दिस? मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि वो मेरे को. ओके ओके, आई एम सीरियस, वो मेरे कमरे में ही थी. ओके, व्हाट्स द बिग डील? मम्मा आप भी ना, मिस्टर खन्ना आपकी कोई गलती नहीं है. सैटरडेज को मम्मा थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है. रोहन तुम्हें ढूंढ रहा था. क्या त्रिशा ने बताया तुमने उसको इयररिंग्स गिफ्ट किए. यू गाइस सीम टू बी गेटिंग अलोंग वेल. डज दैट सरप्राइज यू? रोहन के बारे में कुछ बताया? नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक. राधिका, आई डोंट थिंक शी इज रेडी फॉर दिस मैरिज. 2 दिन में शादी है, नीचे मंडप रेडी है. नीचे मंडप लग चुका है? शादी 2 दिन में है, और इज त्रिशा इंपॉर्टेंट? मंडप और ये सब रिफंडेबल नहीं है क्या? इट्स टू लेट फॉर दैट. गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना. गुड मॉर्निंग. ये आपका जूस पी लीजिए प्लीज. एंड आपके लिए ब्रेकफास्ट मंगा दिया है, वैसे सैंडविचेस भी हैं, लेकिन अगर आप फ्रूट खाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा. ये वाला जूस आपको ब्रेकफास्ट के बाद पीना है, ये वाला जूस आपको लंच से पहले पीना है, और ये वाली लंच के बाद. ओके या एक एक मिनट, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? व्हाट डू यू मीन तबीयत ठीक है? इतनी अलग 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 सी हो, वो इतनी स्वीटली बात कर रही हो, चेहरा इतना चमक रहा है, एकदम गूगली वूगली वुश हो तुम इस वक्त, क्या हो गया है? मिस्टर खन्ना बिहेव, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं. एक्चुअली मैं आपसे कहने आई थी कि आप अब ना वोडका से कभी कुल्ला नहीं करेंगे. ओके, एंड आप अपनी दवाइयाँ भी मिस नहीं करेंगे, एंड मुझे आपको थैंक यू भी बोलना था उस रात के लिए. अरे डोंट इंटरप्ट मी, लेट मी फिनिश. कल रात से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं बोल ही नहीं पाती, इसलिए व्हाट आई हैव कम टू से इज आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. नीचे ऐड भी करना चाहती
तुम्हारी त्रिपुर सुंदरी नागराजन एमएमबी एलएलबी एलएसडी आईवीएफ जो भी क्यों करते हैं आप ऐसा? मैं नहीं, मुझे जानना है। इतने अच्छे और जेनरस इंसान हैं आप, लेकिन दिखाते हैं कि बहुत सेल्फिश हैं, नास्टी हैं। क्यों करते हैं ये सब? तो छोड़िए, आप जो हैं उसका बिल्कुल उल्टा प्रोजेक्ट करते हैं। डे वन से आपने मुझे कन्विंस किया कि आपसे ज्यादा सेल्फिश और मीन कोई नहीं है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। कल रात को जो मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा है, उससे समझ में आता है मिस्टर खन्ना कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने केयरिंग, कितने सेंसिटिव। तभी तो आपने मेरी जान बचाई है ना, तो फिर क्यों? ओके, फुल सीरियसनेस, ओके तानपुरा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि टिप्सी, sorry to disturb you guys. यार इस लड़की का मैं क्या करूंगी यार? किस लड़की का? तेरी माँ, कुछ ना कुछ कांड करती रहती है। वो आनंद तेरा नीचे वेट कर रहा है। अद्दू यहाँ है? एक मिनट। हाँ माँ। अरे जिस होटल में तू ठहरी है ना, उसका जीएम है वो। पूरी चेन ऑफ होटल्स का इंचार्ज है। जब उसे पता चला कि तू है वहाँ पे, तो उसने मुझे बोला कि एक बार तुझे मिल लेगा। ये अद्दू, I mean, आनंदम, ये कौन है? आनंदम टिप्सी का बचपन का फ्रेंड है। बचपन से ही उसे लाइक करता है। ये अपनी तिरुपु से? करण की आवाज आ रही है। करण है वहाँ पे? टिप्सी, करण को फोन दे। ओके, एक मिनट। अम्मा बात करेंगे। मुझसे? मैं अद्दू को मिल के आती हूँ। जी अम्मा। तुझसे एक बात कहनी थी। वो आनंदम है ना, बड़ा अच्छा लड़का है। एक बार टिप्सी सेटल हो जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या है? उसका भाई भी नहीं है ना? अम्मा ये भाई बहन की एंगल क्यों ला रही हैं आप बीच में? अरे टिप्सी की शादी की बात कर रही हूँ। आई मीन सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ ना, तो आप फिक्र क्यों कर रही हैं? टिप्सी को जो कुछ भी चाहिए, हम लोगों को टिप्सी के लिए, मुझे टिप्सी के लिए जो कुछ भी करना मैं करूँगा, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बाय। हाँ ओके। ये आनंदम ना बहुत ही चेप टाइप का आदमी है, एकदम थियर आदम। दो साल पहले इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो स्टिल सिंगल, बट डोंट वरी, ही इज दैट काइंड ऑफ मैन हु विल बी डिनाइड एंट्री इवन टू शेरी लैंड। एंड यू नो आई लाइक ऑल मैन, दीज आर ऑन अराइवल टाइप्स, बट विद मी ऑल्सो ऐसा है कि भैया आगे बढ़ो। ओके बाय, देखती हूँ टिप्सी क्या कर रही है। फिर तो करण खन्ना, टिप्सी की शादी तेरे से ही होगी। आई एम गोइंग टू मेक श्योर ऑफ दैट।